एवरीवन, मैं अनु भड़ाना। वेलकम बैक टू आवर चैनल, आपकी अनु व्लॉग्स। मॉर्निंग हो गई है, मॉर्निंग का व्लॉग मैं शुरू कर चुकी हूँ, तो आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा मेरी वीडियो में, फुल प्यार दीजिएगा और फुल सपोर्ट कीजिएगा। साइड में बेल आइकन है, उसको बीट कर दीजिए। जो मेरे चैनल पर नए हैं, मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं थोड़ी देर में। ओके गाइस, ये है खिचड़ी, मूंग दाल की खिचड़ी बनाई है मैंने। मैंने क्या बनाई है, मैंने बनवाई है, बनाई मैंने नहीं है, आज ही आज जानवी ने बनाई है और हेल्प करी है तंशु ने, तो दोनों बहन भाई को क्रेडिट जाता है इस खिचड़ी को बनाने का, ठीक है। और वो ज़्यादा टेस्टी बनी है ये देखिएगा खिचड़ी। पता तंशु क्या बोल रहा, कह रहा कि मैंने बनाई है ये, क्योंकि ज़्यादा हेल्प तो मैंने की है, तो बोल रहा था कि बताता हूँ मैं हूँ, करता मैं हूँ काम, बताती हो नहीं, मेरा काम नहीं बताती हो। मैंने कहा चलो भाई, ये चलो मान लो तंशु ने बनाई है ये खिचड़ी, अगली बार तंशु ही बनाएगा प्रॉपर, मतलब बनाने के लिए रखेगा भी, अभी भी धो के भी रखेगा और थोड़ा सा भी लगाएगा उबाल के। और ये देखिएगा, ये बनाना शेक, मैंगो शेक है, सॉरी। तो ये मैंगो शेक तो तंशु ने बनाया है, खैर तो लीजिएगा आप लोग भी, पी लीजिए, वो टेस्टी भी है, यम यमी, मैं पी रही हूँ। ठीक है, किसी को हाउस हस्बैंड बनाना हो तो मेरे को कंट्रैक्ट कर सकते हैं। ओह माय गॉड, हाउस हस्बैंड बनेगा ये इडियट। अभी छुटकी बंद करो, मेरे काट दियो क्या माइंड। तो तो अब देख लिया, आपने सुन लिया इसका क्या बोल रहा था ये कथा। अभी दो प्लान का है ये, और ख्वाब देखो कितने ऊंचे देख रहा है। मैं पी रही हूँ मैंगो शेक, पी लीजिए आप लोग भी, पी लीजिए। और मेरे बालों का बन रहा है, क्या बन रहा है, मुरादाबाद। बहुत सर दर्द था आज, मैं ना बहुत लेट उठी हूँ सुबह। कितने बजे उठी थी मैं, 11 बजे, 11 o'clock रिकॉर्ड तोड़ दिया। कभी कभी कर देती हूँ मैं ऐसा, मेरे को नींद नहीं आ रही थी, रात सर में दर्द हो रहा था बहुत तेज, सुबह भी मसल बारी बारी होता, अभी हो रहा है अभी भी, बट उठना तो पड़ता ही है ना, इतना लेट तक सोना अच्छा भी नहीं लगता। मैं वैसे सुबह उठ जाती हूँ, बट कभी कभी हो जाता है जब कोई दिक्कत हो, मान लिया सर दर्द कर रहा है या फीवर है या मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होती है थोड़ी बहुत, तो थोड़ा लेट हो जाता है, वरना जल्दी उठना चाहिए सभी को, मैं ये बोल रही हूँ। जल्दी उठ के जल्दी काम भी ख़त्म होते हैं और बॉडी भी एकदम फैशन अप रहती है। तो ये देखिए, अब देखो कितना छोटा ग्लास है मेरा, है ना। यम्मी, बहुत टेस्टी है वाकई में। और आज कहाँ घूमे हीरो, क्या कर रहा था। जाम वाला इलाका है, देखना। तो गाइस शाम हो गई है और शाम के 8:45 बज रहे हैं, 7:45 का टाइम है और खाना बनाने का टाइम हो रहा है। तो अभी अभी साहब का फ़ोन आया है कि आलू और टमाटर की सब्ज़ी बनानी है, तो कट मैंने कर ली है। मेरा भाई आया था थोड़ी देर पहले, क्या 1 घंटा हो गया उसको, तो उसके साथ बात कर रही थी, तो थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। तो चलो फिर फटाफट से किचन में चलते हैं और जल्दी जल्दी सब्ज़ी बनाते हैं, नहीं तो फिर डांट पड़ेगी आज बहुत तकड़ी वाली। और तंशु को मैंने बोला, मैंने कहा बेटा मैं आलू बना था, कहता है मम्मी मैं काम नहीं करूँगा, आपका काम है आप करो। मैंने कहा ठीक, आलू तो उसने मेरे को दे दिया, फटाफट मैंने कट भी कर लिया, मैं चल रही हूँ फटाफट से किचन में और फटाफट हम बनाते हैं सब्जी। तो हर काम कूल डाउन करेंगे फटाफट। तो चलिए फिर चलते हैं और बनाते हैं आलू मटर टमाटर की सब्जी बना रहे हैं। तो हम आ चुके हैं किचन में और डब्बी हमारा पहले से ही विराजमान है किचन के अंदर। और ये फिर मैंने डांग रखी है, इसके अंदर मैंने रखे हुए हैं आम के छिलके, आम का जो मैंगो शेक बना था उसके छिलके हैं, तो इनको मैं डस्टबिन में डाल दे रही हूँ। पहले सबसे पहले इसी को हटा देती हूँ यहाँ से। डब्बी आ जा बेटा। मैं आ गई हूँ और गैस जला रही हूँ और गैस जला के सब्जी बनाऊंगी और रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। और ये सब्जी मैं सिंपल ही बना रही हूँ, बट ये जीरे के बिना बना रही हूँ मैं। तो अगर हमारे पास जीरा नहीं है और हमें सब्जी बनानी है, तो हम कैसे बनाएंगे जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगी और बिना जीरे के हम बनाएंगे। तो आप लोग देखिएगा, ट्राई भी कीजिएगा, जरूर से जरूर पसंद आएगी, आई होप नहीं ट्रस्ट है मुझे कि पसंद आएगी आप लोगों को। तो आज मैं कढ़ाई में ही बना रही हूँ, कुकर में नहीं बनाऊंगी। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, अब हम इसके अंदर डाल देंगे तेल। ये है मस्टर्ड ऑयल, हमेशा की तरह जो मैं सब्जी बनाती हूँ हमेशा मैं मस्टर्ड में ही बनाती हूँ।
तो उसको गर्म होने देते हैं। अच्छा, आ रहे हैं। कितनी देर में, 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 फिर हम करते हैं शुरू अपनी सब्जी बनाना चीरे के बिना। तो ये देखिएगा, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, गर्म हो गया है, और इसके अंदर मैं डालूंगी अभी वन चा पागल लड़के, हटा इसको गले से। ये देखिएगा, ये मेथी दाना है, और मेथी दाना हम चटकने देंगे। पागल जितना रखा होता जरा उतनी बुद्धि खराब होती जा रही तेरी। ये देखो हो गया ना ब्राउन कलर का, अब मैं इसके अंदर डालूंगी जिंजर। पागल बच्चे को बैठा कर रहा है। तो ये है जिंजर, अदरक, और अदरक देखिएगा मैंने डाल दिया है इसके अंदर मेथी दाना और अदरक कट करके हरी मिर्च डाल दिए। अब इनको फ्राई कर लिया, अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी टमाटर जो मैंने कट करके रखा हुआ है। तो ये देखिएगा एक टमाटर है, थोड़ी सी सब्जी बना ली है मेरे को, मेरे घर में ज़्यादा सब्जी मतलब लोग खाते नहीं हैं, बच्चे भी थोड़ी सी खाएंगे और बड़ा भी थोड़ी ही खाते हैं। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे इसके अंदर ऑयल के अंदर, और मैं डाल दूंगी इसमें नमक, नमक डाल दिया है मैंने। नमक से क्या होता है कि टमाटर जो एकदम सॉफ्ट हो जाता है, मैश हो जाता है सब्जी के अंदर। तो ये देखिएगा नमक हम डाल चुके हैं, ऐसे मैश कर दूंगी मैं। और मैं इसके अंदर डालूंगी हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। देखिएगा टमाटर हमारा मैश हो रहा है अच्छे से, ये देखो सॉफ्ट हो गया बिल्कुल। इसको अच्छे से मैश कर देंगे हम। और कुछ लोग होते हैं ना जो बोलते हैं कि टमाटर की सब्जी हमारे घर में नहीं खाते हैं, हमारा बच्चा नहीं खाता है या हमारे हस्बैंड नहीं खाते हैं। कोई कोई होते, मेरे जो ननंद है उनके हस्बैंड थे नंदोई मेरे, उनको टमाटर बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वो गुस्सा करते थे उनकी वाइफ अगर डालती थी तो। लेकिन मेरे से बोलने लगी, मैंने सोचा, मैंने कहा चलो मैं बना के देखती हूँ। तो मैंने सब्जी बनाई आलू मटर टमाटर की, तो टमाटर को मैंने बिल्कुल मैश कर दिया, उन्होंने खाई और बहुत मतलब तारीफ की सब्जी की। और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा पैसा इसमें टमाटर था, बोले नहीं टमाटर नहीं था, मैंने कहा था, तब हैरान रह गए वो देख के कि मतलब टमाटर था, मुझे पता भी नहीं चला। तो बोल रहे थे कि सब्जी बनाने का भी तरीका होता है और खिलाने का भी होता है। तो ये देखिएगा मैश हो चुका है हमारा टमाटर, ये अपना जो हमने आलू मतलब धो के रखा हुआ है यहाँ पे कट करके, उसको डाल देंगे अच्छे से मिक्स कर देंगे, पूरा मसाला इसके अंदर ऑब्जर्व हो जाएगा। ये देखिएगा, और ये सब्जी मैं पतली बनाऊंगी टमाटर के साथ, मतलब उसके बाद में टमाटर सॉफ्ट होने के बाद में मैंने आलू ऐड कर दिया है, उसको भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और गैस की फ्लेम थोड़ी सी हम हाई कर देंगे, और अब मैं डालूंगी इसके अंदर अपना लास्ट इंग्रेडिएंट, ये देखिएगा रेड चिली पाउडर, क्योंकि रेड चिली के बिना तो मेरे घर में सब्जी का मतलब ही नहीं बनता। तीखा खाते हैं सब, बच्चे भी और उसके डैडी भी। तो ये देखिएगा टमाटर से मतलब कलर चेंज हो चुका था, पर चिली जाने के बाद में तो कलर बिल्कुल रेड हो चुका है एकदम बढ़िया। तो मन कर रहा है ना खाने का, लेकिन अभी ये बनी नहीं है, अभी नहीं खा सकते हैं इसको। और ऐसी सब्जी ना, ये वाली सूखी वाली सब्जी अगर हम बनाते हैं तो पूरी और पराठे के साथ में ये सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसको हम अगर हमें सूखी बनानी है तो हम सिर्फ कवर करेंगे और 10 मिनट के अंदर सब्जी बन जाएगी। तो ये मैं किसी और आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, अभी मैं तरी वाली सब्जी बना रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पे पानी ले लूँगी, मुझे सब्जी के अंदर ऐड करना है पानी। पानी मैंने ले लिया है, तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी। तो ये तरी वाली सब्जी है, अब हम इसको कवर कर देंगे। तो ये देखिएगा
कवर मैंने कर दी है। 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर ये सब्जी हमारी बन के रेडी हो जाएगी। आ चुके हो घर में, एंट्री ले ली है। हेलो जी, हेलो, वो आए थे प्रेस वाले भैया, हो गई थी बात आपकी, अपने निकाल लो, मेरे छोड़ देना इसी में, इसे मुझे लग रहा मेरे है ही नहीं। ना भाई मैं नहीं जा रही गर्मी में, मेरे पास नहीं ना बेटा, मैं नहीं जाऊँगी, ना ना ना, मैं हवाई तो डैडी जाएंगे, मैं वहाँ जाती तो सीधी आ जाती, मैं जाना मेरे पास तो देखिएगा फ्रेंड्स, सब्जी हमारी बन गई है और ये देखिएगा फाइनल लुक है हमारी सब्जी का। आलू टमाटर की सब्जी है, ये मटर नहीं डाला मैंने इसमें, आलू टमाटर की सब्जी है और प्याज अदरक, अदरक तो डाला, प्याज लहसुन कुछ भी नहीं है, बस मेथी का चौंक लगाया है इसके अंदर और बहुत ही यम्मी है। तो आप ट्राई जरूर कीजिएगा और खाकर बताइएगा मुझे कि कैसी सब्जी बनी है आप लोगों की। हमारे घर में तो सबको पसंद है, आई होप आपके यहाँ भी सबको पसंद आएगी। अभी मैंने भिगो दिया, अभी नई वाली शीट ले जाऊंगा, अब बस रोटी बना रही हूँ। नई वाली शीट ले जाऊं? नहीं, क्यों, कुछ शादी में जा रहा है ना, तो बहुत से स्टिच दिख नहीं रही, बहुत कपड़े पड़े हैं बेटा, कोई सी भी ले ले। तो ये मैं अपने कान्हा जी के लिए जा रही हूँ, कान्हा जी का भोग निकाल दिया मैंने, सबसे पहले मैं कान्हा जी का भोग लगाती हूँ, उसके बाद में सबको खाना सर्व करती हूँ। तो यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे कानू लड्डू गोपाल जी, तो ये उनकी खिचड़ी खाई थी उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले, ये खिचड़ी मैं हटा देती हूँ और रोटी का भोग लगा रही हूँ इस टाइम शाम को। हेलो जी, कौन हूँ? हेलो जी, हेलो, तो हम रख देंगे कान्हा जी के पास में, खा लेंगे कुछ से रोटी, थोड़ी देर में पानी दे दूंगी इनको मैं आके। हेलो, आवाज नहीं आ रही, लेके जाती हूँ। यहाँ पे सब्जी डाले दे रही हूँ बढ़ाना जी के लिए, लंच बॉक्स में खुलवाओ, इसका नहीं आ जाएगा, पता नहीं चल पाएगा, चिड़कन कहाँ इसका, ओहो तुम तो बिल्कुल ही तो 11:42 का टाइम हो रहा है। आज की वीडियो का मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, आप लोग देखिए, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं कल एक अच्छी सी और प्यारी से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Yeah.